उज्जैन के उन्हें शहर में एक प्राइवेट बैंक के कर्मचारी के साथ लूट की वारदात हुई थी, जिसमें 12,000 रुपए की लूट हुई थी, जिसमें ज्यादा की बैंक कर्मचारी राहुल जा रहा था और बैंक में पैसे जमा करने के लिए, और आंख में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस कर्मचारी के साथ वही दूसरी वारदात एंगोरिया मार्ग पर पेट्रोल पंप का नगद पैसा बैंक में जमा करने जा रहे कर्मचारी के साथ भी लूट हुई थी। मिर्ची डालकर आंख में पुलिस तलाश कर रही थी और पुलिस को सफलता मिली है। लूट का मास्टरमाइंड पेट्रोल पंप पर काम करने वाला कर्मचारी ही निकला है और उसने अपने चार अन्य साथियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो इनके पास से 55,000 नगद जब्त किए गए, वहीं 2 पिस्टल, 2 बाइक और जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। एडिशनल SP आकाश भूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस उन्हेल ने मामला दर्ज किया था लूट का और हमने टीम बनाकर इन लुटेरे युवकों को गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू किए और सफलता मिली है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके साथ और कितने लोग हैं और किन किन वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। सभी विषयों पर पूछताछ चल रही है इन चोर युवकों से। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।